भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अक्षरा सिंह के पिता का नाम लिए बिना धमकी देते नजर आ रहे हैं। पवन सिंह इस वीडियो में इशारे इशारे में कह रहे हैं कि कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि वो वीर कुंवर सिंह के रिश्तेदार हैं। पवन सिंह इस दौरान खुला ऐलान करते हुए कहते हैं कि बस हम 10 दिन का इंतजार कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर हम सबकी औकात दिखा देंगे। जानकारी के मुताबिक पवन सिंह का ये वीडियो पटना के एक कार्यक्रम का है, जिसमें पवन सिंह अक्षरा सिंह और उनके पिता का नाम लिए बिना धमकी देते नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए पवन सिंह इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। मैं जो हूँ बोला ना, लेकिन अब 10 दिन का वेट कर रहा हूँ, अगर कुछ आया तो बिल्कुल बोलूंगा। अब पवन सिंह के इस वीडियो पर अक्षरा सिंह ने पलटवार किया है। अक्षरा सिंह ने एक YouTube चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि बाप से बात करने से पहले बेटी से बात करो, कौन क्या कह रहा है इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो बस अपने काम में मस्त हैं, वो विवादों में नहीं रहना चाहती हैं। पर पता नहीं क्यों लोग उन्हें विवाद में घसीट ही लेते हैं। आगे अक्षरा सिंह ने कहा कि हमको इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि भूचाल ला देंगे तो भूचाल ले आए, कौन रोक रहा है उन्हें। वो बस अपने इर्द गिर्द के लोगों के सिखाने से बोलते हैं, हमको भगवान ने स्टार बनाया है, उन्होंने नहीं, इंसानों में इसकी औकात नहीं है। अक्षरा आगे कहती हैं कि अगर वो बोलना शुरू करेंगी तो बात निकलेगी और बहुत दूर तलक जाएगी, इसीलिए विवादों में नहीं पड़ना चाहती अब। एक्ट्रेस और आगे कहती हैं कि मैं यहाँ 2018 से खड़ी हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ, हिम्मत है तो आओ मुझे गोली मार दो, मेरा एक ही सोल्यूशन है, मेरी जान ले लो, खत्म कर दो मामला। इस मौके पर अक्षरा सिंह ने तमाम यूट्यूबर्स पर भी नाराजगी जाहिर की है। अब देखते हैं कि पवन सिंह अक्षरा सिंह के इस बयान पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह कभी अपने बयानों तो कभी अक्षरा व कभी ज्योति सिंह के बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। अब देखना यह है कि इन तीनों का विवाद कहाँ खत्म होता है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।